यूपी के पूर्वांचल में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। निशाने पर थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। गृह मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सावधान किया, कहा चुनाव बाद आपकी नौकरी जाने वाली है। 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये ईवीएम के कारण हम हारे। खड़गे साहब आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। पूर्वांचल के हर सीट पर जीत का डंका बजाने के लिए बीजेपी की पहली कोशिश अपने कार्यकर्ताओं को सुपर स्पीड से रिचार्ज करने की है, और जेहन में ये बात पूरी तरह बिठा देने की है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बीजेपी को कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। भाजपा 400 पार करने वाली है और कांग्रेस 40 के अंदर सिमटने वाली है। और ये अखिलेश जी की 4 भी नहीं होने वाली है। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी में थे। उन्होंने सुबह की शुरुआत काल भैरव की पूजा से की, काशी के कोतवाल के दर पर मत्था टेका। एबीपी न्यूज से बात करते हुए जेपी नड्डा ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाने वालों को सीधा जवाब दिया। जो लोग चुनाव के दौरान मंदिर जाते हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं जी। हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ ये विषय है और हम हर एक समय जाते हैं। पूजा के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ चाय की चुस्की ली और ये साफ कहा कि विपक्ष की चुनौती अब बेदम हो चली है। शुभ जगह पर क्या विपक्ष की बात करना, ये पूज्य स्थान है। विपक्ष को आप 4 जून को देख ही लेंगे उनका हाल क्या होगा। धार्मिक आधार पर आरक्षण भी अब चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, उन्होंने बनाने की कोशिश की है। हम ये कहेंगे कि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, और जब तक मोदी जी हैं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के इस तीखे हमले पर पलटवार में कांग्रेस ने देर नहीं की। हम जीतने वाले हैं, वो हारने वाले हैं, और इसलिए हार रहे हैं कि लोग उनके खिलाफ हो गए और लोग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। गंगा के मैदानी इलाके में इस वक्त चल रहा चुनाव प्रचार यूपी से लेकर बिहार तक घमासान को और तेज करता हुआ दिख रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।